मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब से मैंने डैन ब्राउन के नॉवेल पर आधारित मूवी द डा विंची कोड देखी, तब से मैं काफी सोच में पड़ गया था कि क्या सच में इल्यूमिनाटी जैसे रहस्यमय संगठन का वजूद आज भी है। वक्त के चट्टानों तले इस दुनिया में रहस्य दबे पड़े हैं। कुछ डेडिकेटेड रिसर्चर्स और खोजकर्ता की मदद से हमें इनकी कुछ झलक देखने में मदद मिलती है। कुछ खोजकर्ता और ऑथर्स की बात अगर हम मान लें तो इल्यूमिनाटी से भी पुरानी एक रहस्यमय संगठन की स्थापना भारत में सम्राट अशोक द्वारा हुई थी, जो अननोन नाइम के नाम से फेमस है। आज हम इस रहस्य पे कुछ रोशनी डालते हैं। एक लीजेंड के अनुसार इस पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी का गठन 273 बीसी में सम्राट अशोक द्वारा हुआ। सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कलिंगा पे हमला किया। परिणाम स्वरूप 100,000 लोग मारे गए। इसे देखकर वे बेहद दुखी हुए और बुद्ध धर्म अपना लिया। इतने बड़े पैमाने पे जान माल की हानि को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे और साथ ही जितना हो सके युद्ध होने से रोकेंगे। सम्राट अशोक का मानना था कि विज्ञान, आधुनिक तकनीक और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल युद्ध में होता है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। अतः उन्होंने ऐसे ज्ञान को गोपनीय रखने की कसम खाई। पूरे भारतवर्ष से हजारों बुद्धिमान लोगों को खोजा गया, जिनको विभिन्न कसौटी पे आजमाया गया। अंत में सिर्फ 9 लोगों का चयन बेहद ही खुफिया तरीके से हुआ, जिन्हें सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्नों के नाम से जाना जाता है। इन 9 अज्ञात लोगों को गुप्त ज्ञान की 9 पुस्तकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन किताबों में रहस्यमय और शक्तिशाली ज्ञान है, जिनसे इंटेलिजेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपार सफलता मिल सकती है। इन किताबों का संरक्षण, समय के साथ अपडेट करना और किसी गलत हाथ में जाने से रोकने की जिम्मेदारी भी इन 9 लोगों की ही थी। हर किसी को सिर्फ एक किताब को संभालना होता था। लोगों का मानना है कि ये बुक्स एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल जैसे सुप्रीम नॉलेज से भरे पड़े हैं। ऐसा ज्ञान मानव जाति को अपार ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और गलत हाथों में पड़ने से मानव जाति के सर्वनाश का कारण भी हो सकता है। हर खुफिया संगठनों की तरह इस ग्रुप के भी कुछ करंट और पास्ट मेंबर्स की अफवाहें हैं, जिनके अनुसार ये पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और प्रोमिनेंट पोजीशन धारण किए हुए हैं। इनके कुछ सस्पेक्टेड मेंबर्स में 10th सेंचुरी के पोप सिल्वेस्टर 2 और विक्रम साराभाई हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। 1923 में टैल्बर्ट मंडी ने एक बुक लिखा द अननोन नाइन, और तब से ही पूरी दुनिया को इनकी जानकारी है। आइए जानते हैं उन 9 बुक्स में आखिर क्या लिखा है। पहले बुक में प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वारफेयर की तकनीक है, जिससे विशाल जनसभा के विचारों को कंट्रोल करके पूरी दुनिया को नियंत्रित करने का विज्ञान है। दूसरी किताब में फिजियोलॉजी पे चर्चा हुई है और बताया गया है कि सिर्फ छू कर किसी के नर्वस इम्पल्स को पलट कर किसी की हत्या कैसे की जा सकती है। यह टच ऑफ डेथ नाम से फेमस है और लोगों का मानना है कि मार्शल आर्ट्स और जूडो जैसे तकनीकें इसी बुक से उत्पन्न हुई है। तीसरी किताब में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की बातें हैं। फोर्थ बुक में मेटल्स के ट्रांसम्यूटेशंस और एल्केमी पे चर्चा हुई है। और एक लीजेंड के अनुसार कई बार अकाल और सूखे के वक्त अनजाने स्रोतों से मंदिरों को दान में सोना मिलता था। पांचवें बुक में हर प्रकार के कम्युनिकेशन, टेरेस्ट्रियल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पे चर्चा हुई है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अननोन 9 एलियंस के बारे में भी जानते थे। सिक्स्थ बुक ग्रेविटी के रहस्यों पे फोकस करती है, जिसमें वैदिक जमाने के विमान और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। सातवीं किताब में कॉस्मोगोनी पे चर्चा हुई है, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सोलर सिस्टम्स का विज्ञान है। आठवीं किताब पे लाइट पे चर्चा हुई है, जो ये बताती है कि उसे हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नौवीं और अंतिम पुस्तक ने सोशियोलॉजी पे चर्चा की है। इसमें समाज के विकास के लिए नियम और उनकी गिरावट की भविष्यवाणी के साधन भी शामिल थे।
प्राचीन काल से ही ऐसे रहस्यमय संगठनों का एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान का संरक्षण, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो क्या सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न सच हैं? प्राचीन इतिहास के इंग्लिश राइटर एच जी वेल्स ने लिखा था, Among the tens of thousands of names of monarchs accumulated of the files of history, the name Ashoka shines almost alone like a star. आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।